सब तो आज अपन बहुत दिनों का फिर से एक नया ब्लॉग स्टार्ट करें। तो आप सभी बता दूं, मैं ब्लॉग बनाना इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि मेरा एक्सीडेंट हो गया था कि करा दिए थे नहीं पता, लेकिन क्या बोलूं, बहुत लगा था मेरे फेस पर, अभी भी आपको दिख रहा होगा ये, और भी बहुत ज़्यादा लगा है, मैं क्या बोलूं। तो आज अपन जा रहे हैं, मेरे को जाने तो नहीं भा रहा है ग्राउंड, फिर भी जा रहे हैं, क्या करेंगे, साल में एक बार आता है, मजे करेंगे बोल के जा रहे हैं। तो चलते हैं, थोड़ा देर बाद तैयार होने के बाद मिलता हूँ। और हाँ, आप सभी को हैप्पी इंडे, जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना, डे दोस्तों। तो मिलते हैं, आप सभी कैसा बना रहे हो तो मेरे को बताना कमेंट में, और आप तो देख ही लोगे कि मैं कैसा बना रहा हूँ आजादी का दिवस। तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। आप तो दोस्तों आज है स्वतंत्र दिवस, तो इस विषय में इमाम कुछ कहना चाहती है, चल बोल। बोलना हो कि लड़के लोग अच्छे से रहो, अच्छे से स्वतंत्र दिवस बनाओ, लड़ाई झगड़ा मत करो, और मेरा बेटा का नाम रोशन करो। भाई सब कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी बोलना हो ऐसा कैसे, कुछ भी बोल, कुछ भी बोल के जाओ। वंदे मातरम, भारत माता की जय बोल, वंदे मातरम और आजादी दिवस, हमारा हमारे देश के लिए कुछ कर दो बोल। बोलना हो दोस्तों, हम जब ग्राउंड गए थे वहाँ पूरा सिस्टम खत्म हो चुका था, ये मेरे दोस्तों के कारण लड़की टाइप तैयार होते हैं, ये और ये चश्मा वाला लड़की टाइप, ये भी है लड़की टाइप का। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, तैयार होते हैं दोस्तों, इसी के लिए खत्म हो गया। तो अभी अपन जा रहे हैं पार्क, पार्क में मचाते हैं, देखते हैं आगे क्या होगा। चलो भाई, तो राहुल का कैमरा थोड़ी देर के लिए मैं पकड़ा हूँ, तो मैं राहुल को दिखाता हूँ पीछे, हमारे पीछे कैमरा, तो काफी वो गुस्सा है, मेरा मुंह देखने लायक नहीं है, मुंह दिखाने के लायक बना रहा हूँ मैं लोगों को, देख सकते काफी सारे लोग चाहने वाले लोग है, आगे भी बैठे है, राहुल के फैन फॉलोइंग कुछ ज्यादा ही है हमारे ज्यादा, तो राहुल के लिए मर मिटने के लिए कहा। पिक्चर अभी बाकी है, मैं बोला है ना, पिक्चर अभी बाकी है।